आप जानते हैं कि स्पीकिंग में केवल रीटेल लेक्चर ही एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जिसमें मैंने आज तक कभी भी किसी स्टूडेंट को 90 out of 90 अचीव करते हुए नहीं देखा। क्या है वो कॉमन गलतियां जिनकी वजह से आप हमेशा इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने से रह जाते हैं, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एक सेक्शन है। आज हम बात करेंगे कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सब करते हैं, मैं कौन कौन से वो मेथड हैं जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से लगातार स्पीकिंग में कंसिस्टेंटली 90 out of 90 करता आ रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैंने अभी तक फिगर आउट किया है जो कि मुझे लगता है कि आप सब ने नहीं किया। तो वो क्या ऐसे मेथड्स हैं या कौन से ऐसे वो की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रीटेल लेक्चर में आखिरकार मार्किंग कैसे होती है। तो हमें ये सबको पता है कि रीटेल लेक्चर में 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके हमें 5 मार्क्स हर क्राइटेरिया के मिलते हैं। तो पहला क्राइटेरिया कंटेंट है, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन, एंड तीसरा क्राइटेरिया फ्लुएंसी है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि इसमें कोई भी स्कोर आपको ग्रामर का नहीं मिलता। दैट मीन्स कि अगर आपके रीटेल लेक्चर में आपका ग्रामर का स्कोर बिल्कुल 0 आता, आप बिल्कुल गलत ग्रामर का भी यूज़ करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तब भी आपका स्पीकिंग में और लिसनिंग में स्कोर काफ़ी अच्छा आ सकता है। ये जो मार्किंग का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया में कंटेंट जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो कंटेंट में 5 out of 5 करने के लिए आपको 16 कीवर्ड्स पिक करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपको अपने क्वेश्चन में से 16 कीवर्ड्स पिक करने हैं और उन 16 कीवर्ड्स को आपको अपने लेक्चर में डिलीवर करना पड़ता है। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट 16 कीवर्ड पिक नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर जो लिसनिंग में मार्क्स आ रहे हैं वो नहीं है, मतलब ये जो कंटेंट का स्कोर है, ये जो 5 मार्क्स हैं, ये बेसिकली हमारा लिसनिंग का स्कोर है, और ये जो प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी का स्कोर है, ये हमारा स्पीकिंग का स्कोर है। तो क्योंकि ये स्पीकिंग का सेक्शन है, तो दैट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटी इस सेक्शन में होनी चाहिए कि हम स्पीकिंग में अच्छा करें, लिसनिंग सेकेंडरी होना चाहिए। अब जब हमने कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी के बारे में बात कर ली है, तो अब देखते हैं कि इस सेक्शन की जो मेन हाइलाइट्स क्या हैं, वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने एग्ज़ाम में। और मैं हर बार 2019 से लेकर 2024, पिछले 5 साल में मैंने पता नहीं कितने एग्ज़ाम दिए हैं, और हर बार स्पीकिंग में स्कोर 90 आता है। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, दैट इज़ मेन टॉपिक। आपको अपने रीटेल लेक्चर में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट चाहे कितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो या जितना मर्जी खराब क्वालिटी का भी क्यों ना हो, दोनों केस में आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है अगर आपका मेन टॉपिक सही है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा इशू है कि वो मेन टॉपिक नहीं पहचान पाते, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बाकी सब कुछ छोड़ के एक बार सिर्फ मेन टॉपिक पहचानने पर फोकस करें। अगर आपको अपने रीटेल लेक्चर का और समराइज स्पोकन टेक्स्ट का मेन टॉपिक नहीं मिल पाता है, दैट मीन्स कि आप बहुत काफ़ी हद तक बाकी बच्चों से पीछे हैं। तो हमें अभी काफ़ी एफर्ट इस चीज़ पर लगाना पड़ेगा। मेन टॉपिक के बाद सेकंड जो चीज़ है, दैट इज़ 16 कीवर्ड्स। ये 16 कीवर्ड्स का मतलब है कि हमें अपने लेक्चर में से 16 कीवर्ड उठाने हैं। बट ओवर द टाइम, अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अगर आप अपने कीवर्ड्स को रिपीट करते हैं, मतलब अगर आपने 4 या 6 या 10 कीवर्ड पिक किए हैं और आप उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तब भी आपका स्कोर वही आता है। तो ये 16 कीवर्ड वाला जो एक वहम था, वो वहम अभी आजकल नहीं होता। तो मेरे अगर आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट में, जो मैंने इसी चैनल पर दे रखा है, अगर आप उसको चेक करेंगे, तो आपको उसमें दिखेगा कि मैं 16 कीवर्ड अगर पिक नहीं भी करता, तब भी मैं मेन फोकस जो है वो तीसरे पार्ट पे करता हूँ, दैट इज़ फ्लुएंसी। किसी भी कंडीशन में मैं अपनी फ्लुएंसी ख़राब नहीं होने देता। मेरा मेन फोकस ये होता है कि कॉन्टेंट कम हो तब भी ठीक है, मेन टॉपिक सही होना चाहिए, और उसके अलावा मेरी फ्लुएंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये फ्लुएंसी में क्या कुछ होता है? फ्लुएंसी में हमारी स्पीड है, फ्लुएंसी में सेंटेंस ब्रेकडाउन है, फ्लुएंसी में हमारे स्ट्रेस हैं, फ्लुएंसी में हमारा इंटोनेशन भी कहीं ना कहीं रोल निभाता है। तो ये सब कुछ आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर जो नंबर दे रखा है, प्लीज़ आप उस पर मैसेज करें। आप ये कोर्स बहुत कम रेट्स में अभी अवेल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि मार्क्स और पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। तो मार्क्स हमें ये बताते हैं कि क्वेश्चन में से मैक्सिमम आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट हमें ये बताते हैं कि वो मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में। एक तरफ स्पीकिंग है और दूसरी तरफ हमारे पास लिसनिंग है।
यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास स्पीकिंग के नंबर थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू लिसनिंग। स्पीकिंग में 7 से 8 नंबर मिलते हैं, जबकि लिसनिंग में इस सेक्शन से केवल 5 से 6 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमें जो कंटेंट पिक करना है वो कंटेंट कैसे पिक करना है, या मैं कौन सा मेथड है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हर कंडीशन में हमें कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ ट्राई, तो ट्राई का मतलब कोशिश करें कि आप 16 कीवर्ड्स पिक कर पाएं। ये कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर 16 कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आप 90 नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली स्पीकिंग में उस केस में भी 90 हो सकता है, हाँ लिसनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा 90 करना, बट स्टिल ये डूएबल है, ये किया जा सकता है। अब जो 16 कीवर्ड्स हैं वो कैसे पिक करने हैं, तो उसके बारे में बात करें तो आपको 3 चीज़ें इसमें से पिक करनी है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने शुरू में बताया था, लेक्चर का मेन टॉपिक हमेशा पिक करें। ये आपको नॉर्मली लेक्चर के पहले 10 से 15 सेकंड में सुनने को मिल जाता है, अच्छे से सुने। और जब तक आपको मेन टॉपिक नहीं मिलता, ट्राई करें कि आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि पूरा फोकस आपको सिर्फ अपनी लिसनिंग पे रखना होगा। अगर आप कुछ लिखने लगेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप अपना मेन टॉपिक स्किप कर देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हम रेकमेंड करते हैं, दैट इज नाउन फ्रेजेस। कोशिश करें कि दो दो वर्ड्स के ग्रुप को पिक करें। नाउन फ्रेज क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंगल वर्ड कहीं पे आया, फॉर एग्जांपल वी कैन से कैमरा। अब कैमरा एक नाउन है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नाउन फ्रेज पिक करना है तो मुझे दो वर्ड के ग्रुप को पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कैमरा हो सकता है, स्मार्ट कैमरा हो सकता है, या फिर और भी कैमरा डेफिनेशन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो दो वर्ड का ग्रुप हम पिक करेंगे, तो इन दो वर्ड्स के ग्रुप को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब नॉर्मली ये रेकमेंडेड है कि आप कम से कम 8 या 9 नाउन फ्रेज पिक करें, बट मैंने अक्सर देखा है कि जब प्रैक्टिकली स्टूडेंट इस चीज़ को करते हैं तो वो कई बार 5 या कई बार 6 नाउन फ्रेज भी पिक कर पाते हैं। तो दैट्स टोटली फाइन, अगर आप 5 या 6 नाउन फ्रेज भी पिक कर पाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दिलवा सकते हैं। पर हमारी कोशिश, अगर लेक्चर थोड़ा लंबा है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम 8 से 9 नाउन फ्रेज को पिक कर पाएं। सो अभी तक हमने सीखा 16 कीवर्ड कैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, हर नाउन फ्रेज में 2 वर्ड्स होते हैं, और अगर आपने 8 नाउन फ्रेज को पिक किया तो टोटल 16 कीवर्ड्स आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इजी वे है 16 कीवर्ड्स को पिक करने का। स्टूडेंट अक्सर ट्राई करते हैं कि वो सिंगल सिंगल वर्ड्स को पिक करें, तो सिंगल वर्ड 16 बार पिक करना थोड़ा मुश्किल है। उसके कंपैरिजन में ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ा सा इजी रहता है। जब आप नाउन फ्रेज पिक करते हैं तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप हर बार एक नाउन फ्रेज में 2 वर्ड्स को पिक करेंगे, और 2 वर्ड्स अगर आप 8 बार पिक करें तो टोटल आप 16 वर्ड्स बड़ी आसानी से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि कुछ केसेस में स्टूडेंट पूरा कंप्लीट सेंटेंस पिक करने की कोशिश करते हैं। अब सेंटेंस में दिक्कत ये है कि अगर आप 7 या 8 वर्ड का एक सेंटेंस पिक करते हैं तो उनमें से सारे वर्ड्स कीवर्ड नहीं होते। जैसे एक सेंटेंस है कि माई फ्रेंड इज करंटली लिविंग इन ए वेरी ब्यूटिफुल हाउस, तो यहाँ पे इज करंटली लिविंग इन ए, ये 5 वर्ड जो है इनको हम कीवर्ड काउंट नहीं कर सकते। इनमें से कीवर्ड माय फ्रेंड होगा या ब्यूटीफुल हाउस होगा। तो यू कैन सी कि 9-10 वर्ड के सेंटेंस में से कीवर्ड केवल 4 आते हैं। तो सेंटेंस आप बहुत पिक कर लेंगे, लेकिन कीवर्ड 16 हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो थोड़ा सा एक इश्यू रहता है। स्टिल आई वुड रेकमेंड कि आप लोग नाउन फ्रेज पिक करें। अगर आपको नाउन फ्रेज में दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ कैसे पिक करना है, कहाँ से उठाते हैं, और क्या अगर अपने नाउन फ्रेज नहीं मिल पाते तो फिर सेंटेंसेस को कैसे फिट करना होता है, तो वो भी हम सीख सकते हैं। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए, दैट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो दोनों में से एक कोई भी फॉर्म हमें चाहिए और सिंगल टाइम चाहिए। तो अगर थर्ड फॉर्म आपको सुना तो उसको लिख लें, और आईएनजी फॉर्म सुना तो उसको लिख लें। मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप रिटेल लेक्चर के लिए कंटेंट पिक करें तो आप एक फिक्स मेथड में अपने कंटेंट को लिखें। वो कंटेंट कैसे लिखा जाना चाहिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी नोटबुक का एक पेज है, तो आप सबसे पहले ऊपर वाला जो पेज है, ऊपर वाला पार्ट है उस पेज का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, एंड देन जो नीचे वाला पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। ये जो मेथड है, ये मेथड मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, और ये मेथड मुझे फ्लुएंटली कंटेंट को बोलने में काफ़ी हेल्प करता है। इस मेथड में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर जो पहला बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं अपना मेन टॉपिक लिखता हूँ। सेकंड साइड जो है वहाँ पे मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो भी मुझे मिला वो लिखता हूँ। इसके अलावा जो पहला बॉक्स है उसमें मैं 3 नाउन फ्रेज लिखूंगा, सेकेंड बॉक्स में मैं 3 नाउन फ्रेज लिखूंगा, और थर्ड बॉक्स में मैं 2 नाउन फ्रेज को यूज़ करता हूँ। अगर मुझे इससे कम नाउन फ्रेज मिले हैं तो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर सब कुछ मिल रहा है तो बड़ा ईजी होगा। अब ये मेथड इस तरह से फॉलो करने का फ़ायदा क्या है, देखिए आपके कुल मिला के टेम्पलेट में 4 पैराग्राफ हैं,
फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मेन टॉपिक की नीड है तो वो सबसे ऊपर होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड है तो वो भी सबसे ऊपर हो तो और ईजी हो जाता है। तीसरे पैराग्राफ में आपको तीन नाउन फ्रेज की जरूरत पड़ेगी तो वो थर्ड पैराग्राफ के लिए कॉन्टेंट यहाँ पे है। फाइनल पैराग्राफ में दो सेंटेंसेज हैं तो सेंटेंस नंबर वन में आपको तीन नाउन फ्रेज की जरूरत पड़ेगी और फाइनल जो हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा उसमें आपको दो नाउन फ्रेज की नीड है। तो ये फाइव नंबर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो जब आप कंटेंट इस तरह से पहले ही सेग्रीगेट करके रखते हैं तो उसकी मदद से आपको जब फाइनली बोलना होता है रिटेल लेक्चर को तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि मुझे अब कहाँ से बोलना है, मेन टॉपिक कहाँ पे है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है। तो जब आप प्रैक्टिस में भी ये मेथड यूज़ करेंगे फिर फाइनल एग्जाम में भी सेम मेथड यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेज हैं कि आप बहुत कंफर्टेबली विद प्रॉपर फ्लुएंसी आप अपना टेम्पलेट बोल पाएंगे। ये ध्यान रखें कि मैंने आपको शुरू में बताया था हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है, मेन टॉपिक होना चाहिए सही वाला, 16 वर्ड्स होने चाहिए 16 कीवर्ड्स, एंड थर्ड था कि हमारी फ्लुएंसी मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ, स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये वो टेम्पलेट है जो हम ऑक्सफोर्ड में यूज़ करते हैं। ये टेम्पलेट थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है। सी मैं इतने टाइम से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो मैंने अभी तक एक चीज़ फिगर आउट किया है कि देर आर टू वेज ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसको अपने बेस्ट वे में कर सकते हैं, या फिर अक्सर आपको चीज़ जो है वो दोबारा करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अक्सर ये बोलता हूँ कि या तो आप डू इट इन द बेस्ट वे और डू इट अगेन, या तो आप बेस्ट वे में करो या फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो जो ये टेम्पलेट है थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि या तो ये टेम्पलेट याद कर लो और या फिर पेपर दो बार दे देना, तो मेरे ख्याल से 99% स्टूडेंट जो हैं वो तुरंत मान जाएंगे कि हम टेम्पलेट को याद कर लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है बट ये टेम्पलेट अगर हमें परफेक्ट स्कोर दिलवा सकता है, क्योंकि मैं तो कितने एग्जाम से यूज़ कर रहा हूँ और हर बार परफेक्ट स्कोर आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर आप इस टेम्पलेट को थोड़ा सा एफर्ट दें और लर्न कर लें। अब टेम्पलेट को फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पैराग्राफ जैसा मैंने बताया था इसमें केवल आपको मेन टॉपिक फिल करना है। द लेक्चरर मेनली फोकस्ड ऑन मेन टॉपिक, मेन टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ए नंबर ऑफ, अब देखिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे फैक्ट यूज़ करता हूँ, आपको जो आसान लगे आप वो बोल सकते हैं। तो मैं तो फैक्ट बोलता हूँ, बाकी सब कुछ मैं यूज़ नहीं करता। ए नंबर ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू मेन टॉपिक, अगेन मेन टॉपिक रिपीट होगा, वर डिस्कस इन द लेक्चर। आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करते हैं, एक और रिक्वेस्ट है यहाँ से मुझे याद आया अचानक तो मैं बता देता हूँ, कम से कम अपना मेन टॉपिक दो या तीन बार उस टेम्पलेट में बोलें, क्योंकि आपके लेक्चर में मेन टॉपिक भी दो या तीन बार बोला होता है। कोई भी लेक्चर आप ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि मेन टॉपिक सिर्फ एक बार आया उसके बाद उसके बारे में बात, अगर ऐसा हुआ तो वो डेफिनेटली मेन टॉपिक ही नहीं होगा। अगर उसके बारे में दोबारा बात नहीं हो रही है तो वो मेन टॉपिक नहीं होगा। तो मेन टॉपिक को दो या तीन बार आप अपने आंसर में भी इंक्लूड करें। पहला पैराग्राफ मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड है। द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट रिवील्ड इन द डिस्कोर्स वॉज हाउ, हाउ के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई भी नाउन फ्रेज कहीं से भी पिक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जो तीन बॉक्सेस उनमें से कोई भी नाउन फ्रेज आप पिक कर सकते हैं। इज और आर के बाद कोई भी, देखो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज बोलेंगे, प्लूरल हुआ तो आर, और इसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में से जो आपने पिक कर रखा है वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट में एक नाउन फ्रेज आएगा जैसे कुछ ऐसा बनेगा, द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट रिवील्ड इन द डिस्कोर्स वॉज हाउ। अब हाउ के बाद जो नाउन फ्रेज आपने लिख रखा होगा जैसे हाउ लोकल कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें बिल्कुल ये नहीं दिखाना कि हम सेंटेंसेस में ये वाला मेरा टेम्पलेट था और ये आगे मेरा कंटेंट है। हमें इतने फ्लुएंटली बोलना है कि सुनने वाला अगर कोई इंसान होता तो उसको समझ ही ना आता कि टेम्पलेट कहाँ ख़त्म हुआ और कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर आप ये अचीव कर पाते हैं तो आपका इसमें बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपके टेम्पलेट में और आपके कंटेंट में हल्का सा गैप आ रहा है बीच में या स्पीड में डिफरेंस है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, उतना अच्छा स्कोर आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है फर्दर मोर अनदर सिग्निफिकेंट, मैं हमेशा सिग्निफिकेंट बोलता हूँ, आपको दोनों में से जो वर्ड ईजी लगे आप बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट पॉइंट मेंशन इन द लेक्चर वॉज, अब वॉज के बाद यहाँ पे हमें नाउन फ्रेज को यूज करना है। देखो अभी ऊपर दो पैराग्राफ में हमने मेन टॉपिक और V3 यूज किया, अब नाउन फ्रेज वन, NP2 एंड NP3, तीन नाउन फ्रेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तीनों को एक साथ यूज करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं एज वेल एज, और दोबारा बोलने के लिए हम एंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ, फर्दर मोर अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट मेंशन इन द लेक्चर वाज लोकल कल्चर एज वेल एज इंटरनेशनल हिस्ट्री एंड लोकल गुड्स।
अब देखिए मैंने क्या किया, नाउन फ्रेज वन एज वेल एज नाउन फ्रेज टू एंड नाउन फ्रेज थ्री। एंड से पहले हल्का सा पोज आप यहाँ पे ले सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। आगे बढ़ते हैं, सेम आपको आइडिया थ्री में करना है। आइडिया थ्री देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अडिशनली द लेक्चर ऑल्सो एग्जिबिटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडिया थ्री। आइडिया थ्री में आपको अगेन एनपी फोर एज वेल एज एनपी फाइव एंड एनपी सिक्स, तो ये वाला मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। इन कंक्लूजन द लेक्चर कंक्लूड सजेस्टेड दैट, और सजेस्टेड दैट के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे एनपी सेवन एंड एनपी एट, और इसके बाद आपको बोलना है आर क्रूशियल। तो अब आपको समझ आया होगा कि क्यों मैंने जो अपने नाउन फ्रेजेस थे उनको तीन तीन और दो के ग्रुप में बांटा था। देखो आइडिया टू में आपको तीन नाउन फ्रेज चाहिए होंगे, आइडिया थ्री में भी तीन नाउन फ्रेज चाहिए होंगे, लेकिन कंक्लूजन लिखते टाइम आपको केवल दो नाउन फ्रेज की नीड है। तो ये जो एक पूरा कंप्लीट मेथड है, मेथड में क्या कुछ आता है, किस तरह से कंटेंट को पिक करना है, पहले 15 सेकंड हम कुछ नहीं लिखते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक मिलते ही हम मेन टॉपिक के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखने के लिए ऐसा नहीं कि रैंडम लिख रहे हैं, लिखने के लिए एक मेथड है, पूरा पेज आपको मैंने बना के दिखाया था कैसे लिखना है। फिर बोलते टाइम हमें याद होना चाहिए कौन सा पैराग्राफ क्या कहलाता है। अब देखो इससे वो जो मेथड आपने जिस मेथड से लिखा होगा उस मेथड से एक और फायदा है कि आपको टेम्पलेट भूलता नहीं है। आपको पता है पहले वाले में मेन टॉपिक आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर नाउन फ्रेज आएंगे तीन, फिर नाउन फ्रेज आएंगे तीन और फिर दो, तो काफ़ी इजी है टेम्पलेट को भी लर्न करना। अब जो फाइनल एक पार्ट इसमें बचा है वो है किस चीज़ को इतना प्रैक्टिस करना है कि इसमें हमारी फ्लुएंसी 100 out of 100 हो, या पीटी के कॉन्टेक्स में बोलें तो 90 out of 90 हो। तो वो चीज़ आप विद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर सकते हैं, उनको चेक करके मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लास्ट पार्ट, वो है कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट इस सेक्शन में करते हैं। सबसे पहला मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब वो टेम्पलेट खत्म करते हैं और जहां से उनका कंटेंट स्टार्ट होता है तो वहां पर वो उससे पहले एक हल्का सा पोज ले लेते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट को अक्सर यहाँ पे कुछ ऐसा करते हुए देखा, देखो यहाँ पे ये वोज पे टेम्पलेट खत्म हो रहा है और कॉन्टेंट स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं, द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट रिवील्ड इन द डिस्कोर्स वोज, और वोज ऐसा बोलने के बाद वो फिर हल्का सा पोज लेते हैं और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट। अगर मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा होता जिसमें लिखा होता माई फ्रेंड वोज ए डॉक्टर, तो आप इस सेंटेंस को क्या ऐसे बोलते, माई फ्रेंड वोज, फिर रुकते और फिर ए डॉक्टर, अपने नॉर्मली बोलते ना माई फ्रेंड वोज ए डॉक्टर। तो जैसे यहाँ पे वोज को प्रोनाउंसिएट किया आपने, सिमिलरली आपको यहाँ पे उसको बोलना है। इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ में भी, तीसरे में भी देखें तो वहाँ पे वोज है तो उसमें भी सेम यही मिस्टेक होती है, और लास्ट वाले में अबाउट पे भी बच्चे सेम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो हमें कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारी पोज लेते हैं अपने बीच में तो वहाँ पे हमारा अनइवन स्पीड की वजह से हमें काफ़ी मार्क्स अपनी फ्लुएंसी में गंवाने पड़ सकते हैं। ये अनइवन स्पीड क्या होता है इसके बारे में पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट दैट प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट कोमा और फुल स्टॉप पे कोई पॉज नहीं लेते, तो जब भी रीटेल लेक्चर कर रहे होते हैं तो उनको अक्सर यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि कोमा आता है। जैसे टेम्पलेट में देखें हर लाइन की स्टार्टिंग में एक लिंकर है, जैसे फर्दर मोर, तो यहाँ पे पॉज आना चाहिए, पर बच्चे यहाँ पे पॉज नहीं लेते तो कुछ ऐसा बोलते हैं फर्दर मोर अनदर, ऐसे बोलते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। हमें कैसे बोलना चाहिए, फर्दर मोर अनदर सिग्निफिकेंट कुछ ऐसे, या एडिशनली द लेक्चर ऑल्सो इस तरह से, एडिशनली वहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा रोकें फिर आगे कंटिन्यू करें। और सेम मिस्टेक मैंने अब बच्चों को यहाँ पे पहले फुल स्टॉप पे भी करते हुए देखा है, स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर रुकते नहीं है। द लेक्चर मेनली फोकस्ड ऑन एडिशनल लाइट ए नंबर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे होना तो ऐसे चाहिए, पर बच्चे नॉर्मली वहाँ पे सीधा कंटिन्यू करते हैं। द लेक्चर मेनली फोकस्ड ऑन एडिशनल लाइट ए नंबर ऑफ फैक्ट, सीधा मतलब बिना रुके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक, हमें इन दोनों मिस्टेक से बचना चाहिए। और अगर आपका टारगेट है स्पीकिंग में 90 करना या 80 से ऊपर करना, तो डेफिनेटली रीटेल लेक्चर के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा, और रीटेल लेक्चर में 90 करना इज़ वेरी इजी। तो सिंपल टेम्पलेट है, टेम्पलेट को लर्न करें, थोड़े से एफर्ट दें इस चीज़ को एंड प्रैक्टिस करें। रीटेल लेक्चर आपको बहुत अच्छे से जब आने लगे तो आप एक रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड करें, डेफिनेटली मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा, कॉन्टेंट में आप कैसे कर रहे हैं या आपकी फ्लुएंसी कैसी है। फिलहाल एक बार खत्म करते हैं इस क्लास को। स्पीकिंग के अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू।